हालेलुया, स्वागत है आप सब का मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने चरित्र को कैसे पहचाने, जैसा कि भजन संहिता अध्याय 50 उसकी 23 आयत में लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम में नहीं आता, सिवाय इसके कि वो पैरों के नीचे रौंदा जाए, क्योंकि फिर उसे ठीक नहीं किया जा सकता। अगर नमक खराब हो जाए तो उसे फेंकना पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है और बुरी भी। अच्छी बात ये है कि आप एक नमक हो, और बुरी बात ये है कि अगर नमक खराब हो जाए तो वो पैरों के नीचे आएगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम नमक होकर भी पाप करोगे तो तुम्हारी दशा सदोम अमोरा से भी बुरी होगी। मेरे प्रियो, वरदानों से भी ज्यादा जरूरी आपका चरित्र है। अगर आप बाइबल में पहला तिमोथियुस की पत्री को पढ़ें, तो उसमें सबसे ज्यादा चरित्र के बारे में लिखा हुआ है कि अगर कोई चर्च का अगुआ है तो उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, एक जवान व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए, एक विधवा का चरित्र कैसा होना चाहिए, कलीसिया का चरित्र कैसा होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने चरित्र से पहचाना जाता है। अगर एक विश्वासी का चरित्र सही है तो परमेश्वर उसको बहुत से लोगों की आशीष का कारण बना सकता है। पहला तिमोथियुस अध्याय 4 उसकी 11 से 15 आयत में पौलुस ने अपने आत्मिक बेटे तिमोथियुस को कहा कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ न जाने, पवित्रताई में, आज्ञाकारिता में, प्रेम में, भक्ति और धीरज में दूसरे लोगों के लिए आदर्श बन, और अपने वरदानों को भी ना छिपा, क्योंकि वरदान जाहिर करते हैं कि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग अपने अगुओं की बात नहीं मानते कि उन्हें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। वो वचन को सुनकर भी पाप में है। बाइबल में हम देखते हैं कि अगर यूसुफ चाहता तो पोतीपर की पत्नी की बात मानकर पाप कर सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के वचनों को मानकर पाप नहीं किया और अपने चरित्र को पवित्र रखा। यूसुफ के ऊंचे होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आप भी यूसुफ की तरह अपने चरित्र को पवित्रताई में बना कर रखें, ताकि जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, वो आपको मिल सके और परमेश्वर आपको ऊंचा कर सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, अपना अनुग्रह मुझ पर करें, ताकि मैं अपने चरित्र को बनाकर रख सकूं, और जिस तरह यूसुफ ने अपने उत्तम चरित्र के द्वारा आपके नाम को ऊंचा किया, उसी तरह मैं भी आपके नाम को ऊंचा कर सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।